लहराती बलखाती इठलाती जुल्फों के बिना खूबसूरती अधूरी है। तभी तो किसी ने खूब कहा है, उस जुल्फ का क्या कहना जो कांधे पे लहराई, सिमटी तो बनी नागिन, फैली तो घटा छाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम टू ब्यूटी मंत्रा। दोस्तों, अगर हम बात करें मेकअप के दौरान की जाने वाली गलती की, उसे तो हम सुधार सकते हैं, बट लाइफस्टाइल चेंज के नाम पर यूज किए जाने वाले केमिकल्स काफी ज्यादा हानिकारक साबित होते हैं। अगर हम बात करें यंगस्टर्स की, तो वो अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आजकल काफी ज्यादा ट्रीटमेंट्स कराते हैं, जैसे कि यूज ऑफ हेयर कलर्स और स्ट्रेटनिंग। और शायद यही वजह है कि हेयर फॉल और एलोपेशिया जैसी बीमारी काफी ज्यादा कॉमन होती जा रही है। क्या नेचर के पास इसका भी कोई सलूशन है? जी हाँ, आज के इस एपिसोड में हम करेंगे इसी बात की चर्चा। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर सुमिता प्रजापति जी का। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेयर ट्रीटमेंट्स। लाइक आज के यंगस्टर्स के अंदर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, स्ट्रेटनिंग करा लेते हैं, पमिंग करा लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे दर्शकों का हमसे क्या सवाल है। मेरा नाम भावना भास्कर भाई दवे है। मैं आपका प्रोग्राम ब्यूटी मंत्रा काफी बार देख चुकी, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, जहाँ से मेरी नॉलेज अबाउट दी ब्यूटी बढ़ती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रिसेंटली आई हैव अंडरगॉन फॉर स्ट्रेटनिंग ऑफ माय हेयर एंड आफ्टर दैट मेरे बाल क्वांटिटी में फॉल करना स्टार्ट हो गए, तो व्हाट आर दी रेमेडीज फॉर दैट? इसका मुझे कुछ अच्छी इसके लिए कुछ टिप्स मिले कि मेरे बाल गिरना बंद हो जाए। जैसे कि अभी भी हमारे व्यूअर ने बताया कि उन्होंने अपने बालों को स्ट्रेटन कराया था और उसकी वजह से उनके जो बाल है काफी ड्राई और रफ हो गए हैं, तो इन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? इसका मेन रीजन होता है बहुत हार्श केमिकल का यूज होना हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए, तो इसके कारण जो केमिकल्स का रिएक्शन होता है बालों में, वो फ्यूचर में वो धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा, इंटरनली भी कुछ लैक होता है तो भी आपको ये चीजें ज्यादा होती है बाकी लोगों के कंपेरिजन में, तो इंटरनली आपको प्रोटीन डाइट का ध्यान देना है। प्लस एक्सटर्नली अगर जब भी आप ये टाइप के ट्रीटमेंट्स कराते हैं, तो आपको अपने बालों को हेयर फूड या नरिशमेंट देना बहुत ही जरूरी है एक्सटर्नली। वेरी ट्रू। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसके लिए एक आफ्टर केयर जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी इम्पोर्टेंट। करेक्ट। तो एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक आपको गर्म तेल से बालों का अच्छा से मसाज करके हॉट टॉवल ट्रीटमेंट देनी है, ताकि आपके बाल सॉफ्ट रहे। और इस तेल में आप नारियल का तेल या भृंगराज का तेल या नीम का तेल, करंज का तेल, ऐसे बहुत सारे तेल मार्केट में अवेलेबल है जो आप नेचुरली यूज कर सकते हैं अपने बालों को सॉफ्ट रखने के लिए। और बाद में जब भी आप बाल धोते हैं तो आपको इसको कंडीशन करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको नेचुरल कोई अच्छा कंडीशनर मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप खुद अपना कंडीशनर बना सकते हैं, पर आपको एवरी टाइम रेगुलरली उसको बनाना पड़ेगा। ओके, वो टीडियस हो जाता है थोड़ा, टीडियस हो जाता है रोज के रोज बनाना यूज करना। आई नो, पर इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। जैसे इसमें आपको प्रोटीन रिच चीजों का कंडीशनर बनाना है, जिसमें पहला तो आएगा बादाम जी। तो आप 5-6 बादाम रात को भिगा दीजिए, उसमें 2 चम्मच भर के सफेद तिल डाल दीजिए। इसको ओवरनाइट सोक करने के बाद में सुबह आप इसको पीस लीजिए अच्छी तरह से, और इसका चटनी बन जाएगा। इस चटनी के अंदर आपको मिलाना है थोड़ा सा नारियल का तेल जी, अराउंड 1/2 चम्मच, या तो नारियल जो होता है फ्रेश नारियल अगर वो यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसको आप कीस के इसका 2 बड़ा चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं जी। और ये सारी पेस्ट जो है इसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए आप, और इसको लिक्विड बना दीजिए अच्छे से छान के, इसका एक व्हाइट कलर का लिक्विड निकलेगा। जब आप बाल धो देते हैं तो ये लिक्विड आप 1/2 घंटा अपने बाल में लगा के रखिए, और बाद में आप अपना बाल धोइए। अगर 3 या 4 बार आप ये एप्लीकेशन या नेचुरल कंडीशनर यूज करते हैं तो आप पाएंगे विद इन अ मंथ आपके बाल की ड्राइनेस तो कम्प्लीटली चली जाएगी, पर जो आपने हेयर स्ट्रेटन करा है वो वैसे का वैसा लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगा और शाइन भी रहेगी आपके बालों में नेचुरल। दैट वॉज रियली अमेजिंग एंड आई थिंक हमारे जो व्यूअर हैं उनको भी उनका जवाब मिल गया होगा। अब हमारे एक और व्यूअर हैं जिन्होंने हमसे सवाल पूछा है, लेट्स सी। हाय, माय नेम इज वैभव। एक्चुअली मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ ब्यूटी मंत्रा, और मैंने ना बहुत सारे शैम्पू और हेयर ऑयल्स यूज करता हूँ अलग अलग फॉर द स्टाइलिंग पर्पज। उसके कारण क्या हो रहा है, मेरा हेयर फॉलिंग शुरू हो गया है, मेरा बाल बहुत ज्यादा फॉल हो रहा है, तो उसके लिए कोई उपाय हो तो मेरे को बताएं। हमारे जो ये महाशय हैं इन्होंने हेयर ट्रीटमेंट्स कराई थी और हेयर जेल्स यूज करते हैं, तो उसकी वजह से इनको हेयर फॉल होने लग गया है। हाँ। तो इसका क्या रीजन और क्या सोल्यूशन है?
हेयर फॉल का एक तो मेन रीजन जो आपने बताया उन्होंने जो केमिकल्स यूज किए या जो जेल्स यूज किया उसका बॉडी में रिएक्शन, ये एक रीजन है। पर आयुर्वेद में हम लोग हमेशा मानते हैं कि हेयर फॉलिकल जो होता है वो पित्त से रिलेटेड होता है जी, और जो बाल होता है उसका प्रोसेस ऐसा होता है कि अब हमारे स्कैल्प में एक छोटा सा फॉलिकल आता है जी, और उसमें से बाल ग्रो होना शुरू होकर वो बाल लंबा होता है। पर ऐसे बहुत सारे रीजंस है, जैसे धूप जी, धूप ये मेन रीजन होता है। जैसे अगर बहुत ज्यादा धूप होती है तो घास जल जाता है, वैसे ही अगर आप बहुत ज्यादा धूप में जाते हैं या ऐसी चीजें करते हैं जो आपको इंटरनली बहुत ज्यादा हीट देती है, जैसे कि बहुत स्पाइसी फूड का सेवन करना, बहुत तीखे चीजें खाना या बहुत खट्टी चीजें अगर हम लोग खाते हैं तो उससे आपके हेयर फॉलिकल बहुत जल्दी बर्न हो जाते हैं या नए हेयर फॉलिकल आपके नहीं आते हैं तो उसके कारण आपके हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो जो भी हीट बढ़ाने वाली चीजें हैं, केमिकल्स हैं, धूप में जाना है, ये सब चीजों को हो सके उतना कम करिए। खटाई को हो सके उतना आप अपने डाइट में कम करिए, और नेचुरल खटाई जो आपके बॉडी में एसिड नहीं बढ़ाए वैसी आंवला, कोकम या अनार, ये तीनों का आप ज्यादा यूज करिए जिससे आपके बॉडी में हीट कम हो जाए। और कुछ ऐसे हेयर ऑयल या हेयर पैक्स या नेचुरल हेयर कंडीशनर है जिनका आप यूज करके आप अपने बालों को सुंदर बना सकते हैं। That was really amazing. एक पॉइंट जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उससे निकला है कि सिर्फ त्वचा को ही नहीं आपके बालों को भी सन प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। सही बात है, नहीं तो वो धीरे धीरे टैन होने लगते हैं और उसका कलर धीरे धीरे जाने लगता है, डल होने लगते हैं बाल और ग्रे भी होने लगते हैं सन की वजह से भी। सन की वजह से ग्रे होना बहुत, आई थिंक वो कहावत सही है कि मैंने अपने बाल धूप में यूं ही नहीं पकाए हैं। एकदम सही बात है। आई थिंक हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। दोस्तों आप कहीं मत जाएगा क्योंकि हम लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ब्यूटी मंत्रा। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हेयर ट्रीटमेंट्स के बारे में और उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। सुमिता जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सन टैनिंग से जो बाल सफेद हो जाते हैं या उनसे जो हार्शनेस मिलती है बालों को, उसके लिए कोई पैक या कोई सजेशन आप देना चाहेंगी? नॉर्मली जैसे बालों के लिए टॉनिक्स, इंटरनल टॉनिक्स जो आयुर्वेद में माने गए हैं वो है नारियल जी, बादाम, सफेद तिल और आंवला। अगर ये चार चीजों का आप रेगुलरली इंटरनली और एक्सटर्नली यूज करते हैं तो आपके बाल तो सुंदर रहेंगे ही रहेंगे, साथ में आपकी बॉडी को नेचुरल प्रोटीन मिलेगा जी, और आपको स्किन में, बालों में, डैंड्रफ, ओवरऑल एक होलिस्टिक अप्रोच, ये सब में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा जी। तो जैसे नारियल हो गया, उसका आप इंटरनली नारियल का लड्डू या नारियल की अलग अलग रेसिपी या नारियल का दूध, साउथ इंडियंस में जैसे यूज करते हैं नारियल काफी ज्यादा यूज करते हैं और शायद इसी की वजह से साउथ इंडियंस के जो बाल हैं काफी लंबे और घने रहते हैं क्योंकि वो लोग इंटरनली नारियल का बहुत ही प्रयोग करते हैं और साथ में एक्सटर्नली भी नारियल तेल का बहुत यूज करते हैं। तो नारियल का आप अलग अलग फॉर्म्स में जितना हो सके उतना ज्यादा यूज करिए अगर आपको बालों की समस्या है तो। दूसरा तिल जी, सफेद तिल जो होता है वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है, तो आप हो सके उतना सफेद तिल के लड्डू या चिकी या ताहिनी या सफेद तिल को आप अपने ब्रेकफास्ट में या फूड में स्प्रेड करके या जस्ट ऐसे ही एक मुट्ठी अगर आप सफेद तिल एवरीडे मॉर्निंग में खाते हैं तो आपके बाल आप देखेंगे धीरे धीरे लंबे होना शुरू होंगे और गिरना धीरे धीरे बंद होंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे और स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर आंवला, आंवला का आप पाउडर यूज कर सकते हैं या आंवला का शरबत यूज कर सकते हैं या आंवला को आप हेयर पैक्स में ऑलवेज रेगुलर यूज कर सकते हैं या फ्रेश आंवला का जूस आप ले सकते हैं जब भी सीजन हो तब, या च्यवनप्राश अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो च्यवनप्राश का आप यूज कर सकते हैं ठंडी के सीजन में, क्योंकि च्यवनप्राश में बहुत सारी गर्म वनस्पतियां होती है तो ठंडी में आप च्यवनप्राश का यूज कर सकते हैं। और बादाम, बादाम में बहुत सारे अच्छे ऑयल्स होते हैं और प्रोटीन की मात्रा होती है जो आपके बालों के लिए बहुत ही नेसेसरी होती है जी। तो बादाम को आप रात को 4 बादाम भिगाकर सुबह उसको यूज करेंगे तो बादाम से भी आपके बालों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई एक ऐसा हेयर पैक बताइए जो कोई भी ट्रीटमेंट हो, मोस्टली कहा जाता है कि जब आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं या हेयर डाई करा रहे हैं तो मेहंदी अवॉइड करनी चाहिए, तो मेहंदी हटाकर कोई ऐसा पैक जो उनके लिए काफी लाभदायक हो। आप त्रिफला पाउडर ले सकते हैं 4 बड़े चम्मच, उसके अंदर आंवला का जूस, अगर आपको फ्रेश आंवला मिलता है तो आंवला का जूस, अगर नहीं मिलता है तो 2 चम्मच आंवला को, आंवला का पाउडर जो होता है उसको उबाल कर उसका काढ़ा बना के, यानी 8 गुना पानी को 1 गुना करने तक उसको उबालिए और वो पानी आप उसमें मिलाइए, त्रिफला चूर्ण के अंदर आंवला का पानी और उसमें 1
बड़ी कटोरी दही और एक अंडा और एक आधा नींबू या एक चम्मच नींबू आप उसमें मिलाकर बहुत ही बढ़िया आप उसका हेयर पैक बना सकते हैं या हेयर फूड बना सकते हैं। और इसको आप एटलीस्ट 15 दिन में एक बार अगर यूज करते हैं तो आपके बालों को बहुत नरिशमेंट मिलेगी और आपके बाल बहुत सुंदर हो जाएंगे। और कोई ऐसी बात जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें ध्यान रखनी चाहिए बालों के बारे में? बालों के बारे में मैं हमेशा मेरे हर एक पेशेंट को बोलती हूँ एनर्जी ड्रिंक जी। इसके बहुत सारे फायदे हैं, आपको आपकी बॉडी में नेचुरल एनर्जी रहेगी, एंथुजियाज्म रहेगा, पूरे दिन भर की जो थकावट है वो आपकी पूरी चली जाएगी, आपकी स्किन में ग्लो आएगा, आपकी विजन बहुत अच्छी हो जाएगी और साथ ही साथ में आपके बाल बहुत सुंदर होंगे। तो ये ड्रिंक अगर एवरी डे एवरीवन छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक अगर सब लोग करते हैं तो आपके शरीर की सारी समस्याएं काफी हद तक सॉल्व होके आपके बाल बहुत सुंदर होंगे। आई थिंक आपने इतनी उत्सुकता जगा दी है, मैं चाहूंगी कि आप वो स्पेशल जो एनर्जी ड्रिंक है आपका हमारे व्यूअर्स को बताएं। श्योर, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। 4 बादाम लेनी है, 4 खजूर लेना है, 2 चम्मच सौंफ और 2 इलायची जी। अगर आपको डायबिटीज है तो आप खजूर की जगह पे अंजीर ले सकते हैं, या आपको वेट गेन का बहुत टेंशन है तो आप खजूर की जगह अंजीर ले लीजिए। ये सब चीजों को आपको 1 कप पानी में ओवरनाइट भिगाना है। सुबह वो पानी को फेंक दीजिए क्योंकि इसमें नट्स की सारी गर्मी आ जाएगी। ये पानी को फेंक के आपको ये सारी चीजें आइदर दूध या तो पानी में ग्राइंड करनी है और एवरीडे मॉर्निंग में आपके ब्रेकफास्ट के साथ में आप ये एनर्जी ड्रिंक का सेवन करिए और आप देखिए 1 महीने के अंदर आपको कितने सारे फायदे होने लगेंगे। सुमिता जी, मेरी जो नानी माँ है वो हमेशा सजेस्ट क्या करती हैं कि मेथी दाना जो होता है उसे आप ओवरनाइट भिगो के रखिए और वो अपने बालों पे लगाइए तो उससे काफी शाइन आती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? एकदम सही है ये फॉर्मूला। मोस्टली जिसको डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है उसमें भी ये बहुत ही अच्छा काम में आता है और साथ में ही बालों में शाइन या चमक के लिए मेथी का बहुत ही अच्छा यूज है। दूसरा, आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छा प्रयोग बताया गया है मेथी के तेल का। जो नारियल होता है उसमें आंख होती है 3 जी, उसको फोड़ के उसके अंदर जितनी मेथी आप भर सकते हो उतना भर देनी है और बाद में उसको क्लोज कर देना है। मुल्तानी मिट्टी या कोई भी चीज से आप उस आंख को क्लोज कर दीजिए और 1 वीक तक आप उस नारियल को रखिए। अगर आपको 1 वीक नहीं रखना है तो आप उसको अच्छे से पैक कर दीजिए, मुल्तानी मिट्टी लगा के सुखा के, कोई भट्टी होती है या तो फिर गैस के ऊपर वो नारियल को रख के पूरा जलने दीजिए जी। और जलने के बाद अंदर से जो गर निकलता है उसको निकाल के आप नारियल के तेल के अंदर उसको उबाल लीजिए जी। और ये तेल बनेगा, अगर ये तेल आप रेगुलर यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि विद इन 3 मंथ्स आपके बाल बहुत ही लंबे हो जाएंगे। ओके, उसमें शाइन आ जाएगी और डैंड्रफ का नामो निशान मिट जाएगा। अभी आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका बताया कि मेथी के जो सिंपल दाने हैं वो एक मेडिसिनल रूप भी ले सकते हैं। एंड आई थिंक आज की जो चर्चा थी वो बहुत ही ज्यादा लाइवली और बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू। तो दोस्तों, एक बात तो तय है कि आज की फैशन की दौड़ में सिर्फ और सिर्फ यूथ ही शामिल नहीं है, हर उम्र का इंसान इसमें शामिल है और इसी की वजह से शायद केमिकल्स का उपयोग कुछ ज्यादा हद तक बढ़ गया है। अगर आप मेरी बात माने तो ज्यादा से ज्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज कीजिए ताकि आपकी खूबसूरती सिर्फ आज ही नहीं तय उम्र तक बरकरार रहे। फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है आपको कहने का गुड बाय। हम मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में, बट ऑलवेज रिमेम्बर हमारा मंत्रा, दैट इज सावधान रहें, सुंदर रहें।